जगह जगह शहर भर में पॉलिथीन के ढेर और कूड़े का अंबार शहर को गंदा करता है, लेकिन अगर यही कूड़ा खूबसूरती का सबब बने तो इसमें बुराई क्या है। जी हाँ, वस्तुओं के पेपर और प्लास्टिक से शहर के सौंदर्यकरण में अपना योगदान देने के लिए देहरादून की संस्था इको ग्रुप सोसाइटी कुछ इस तरह से ही काम कर रही है। इस संस्था ने देहरादून के कई पार्कों में प्लास्टिक की बोतल और वस्तुओं के रैपर से स्ट्रक्चर बनाकर पार्कों की खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं। प्लास्टिक का कूड़ा कचरा रिसाइकिल करते हुए कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसी जो है बात को यहाँ पर रखते हुए इको ग्रुप सोसाइटी ने यहाँ पर देहरादून में कई जगह पर ऐसी चीज़ें लगाई हैं जिससे प्लास्टिक के यूज़ को आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक को भी ना फेंकते हुए जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है और उससे जो है खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है, यानी कचरा जो है वह भी खूबसूरती बढ़ाने के काम आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गांधी पार्क का ये चबूतरा बनाया गया है, इसमें कई सारी जो है यहाँ पर बॉटल्स हैं और बॉटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो रैपर्स होते हैं उसको लगाया गया है और कई सारा जो है कूड़ा इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो है इस चबूतरे को तैयार किया है। और कहीं ना कहीं जैसे कि दिक्कत आ जाती है कि कहाँ जो कूड़ा है वह फेंका जाए, कहाँ रैपर रखे जाए, तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हुए एक खूबसूरत सी चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ इको ग्रुप सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आप एक महिला हैं, आपसे जानेंगे कि किचन में कई तरह का वेस्ट यहाँ पर होता है, तो किस तरीके से एक महिला होने के नाते वेस्ट को जो है हम उसका प्रबंध कर सकते हैं। सो किचन में हमारे पास बेसिकली दो तरह का वेस्ट हो जाता है, चाहे एक है वेट वेस्ट और एक है ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट में हमारा आएगा सब्जी के छिलके या फिर कुछ भी, अगर फ्रूट काटा हुआ है वो सब बचा हुआ सामान, सो उसको हमें अलग रखना होता है। एंड जो ड्राई वेस्ट है, दैट मींस कि अगर हमने दाल निकाली तो उसका पॉलीथिन निकल कर आ रहा है, या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आ रही हैं, या फिर चिप्स वगैरह बच्चों ने खाए वो चिप्स के पैकेट्स हैं। सो जो ड्राई वेस्ट है उसको बहुत ही ईजी, या तो हम उसको नगर निगम की गाड़ी में दे रहे हैं, और कई बार कई जगह पर नगर निगम की गाड़ी नहीं आ रही है, वेस्ट वॉरियर की गाड़ियाँ नहीं आ रही है। सो वेरी सिंपल सोल्यूशन दैट इको ग्रुप हैज़ फाउंड इज़ कि आपके पास जो बिस्लेरी या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसको आप ड्राई कर लीजिए, और जितना भी आपका ये जो पन्नी है या फिर जो प्लास्टिक जो आ रहा है उसको अंदर कॉम्पैक्ट कर दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स की एक बॉटल अगर बन जाती है, सो दैट कैन बी यूज, दैट कैन बी गिवन टू अस। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम उसे कलेक्ट करेंगे और हम लोग वेरियस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे ये प्लास्टिक जो कि ड्राई वेस्ट है यूटिलाइज हो जाएगा। वेरस जब हम लोग वेट वेस्ट की बारी आती है, उसके लिए आई वुड से चाहे आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर आप एक घर में रह रहे हैं जहाँ पे एक गार्डन है, गार्डन में है तो एक पिट बनाकर आप उसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और उससे जो जैविक खाद बन रही है वो आपके प्लांट्स में यूटिलाइज हो जाती है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, सो आई एम हैंडलिंग द हाउस ऑल्सो, आई एम हैंडलिंग अ क्लिनिक ऑल्सो, बट आई मेक श्योर कि मैं भी ये इसकी कंपोस्टिंग करूं। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको अपनी मेट्स को और अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, और उसकी वजह से नॉट जस्ट आई वुड से ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने जो कूड़े का प्रबंध कर सकते हैं। और इको ग्रुप सोसाइटी जिस तरीके से काम कर रही है, हमारे साथ आज हमारे साथ जो है इसके प्रेसिडेंट भी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आइडिया आया इसको लाने का? नहीं, देखिए ये आइडिया तो पुराना है, कभी आप घर में भी कुछ ऐसे आपने करा होगा, बाहर जाते हुए आपको यदि आप नहीं फेंकते हैं कूड़ा तो कोई बॉटल में ही आपने कुछ चीज़ डाल ली होगी। तो इसकी जो विदेशों में इंडोनेशिया और लंदन शहर कुछ लोगों ने इसको शुरू किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो इको ब्रिक्स तो बनाई फिर उनका यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो उनको वो फिर वो लैंडफिल में ही जा रहा था कचरा जा। तो ये जो बनाने का आइडिया है ये हम लोग इको ग्रुप सोसाइटी ने शुरू किया कि एक बार देखिए आपने यदि सेग्रीगेट करके इको ब्रिक्स बना ली, प्लास्टिक वेस्ट को ट्रैप कर लिया, तो अब उसको रीयूज़ भी करें ना कहीं, तो रीयूज़ हमने करना शुरू किया है। तो हम इसमें तो हमें क्योंकि कंसर्न थी कि मान लीजिए हमारे पास जब इको ब्रिक्स जमा होने लगी कहाँ फेंकेंगे, तो सब लोगों ने हमने दिमाग लगाया, तो हमें लगा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर क्यों ना बनाए जाएँ। तो हमने केवल विहार सोसाइटी में सबसे पहले बनाए, फिर खलंगा पार्क में ऊपर बनाए, फिर हमने स्कूल्स में बनाए, हमने बनाए, तो इस तरीके से अब हम हमारे नए नए इनोवेशन होते जा रहे हैं, बनाते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे कुछ करके नहीं दिखाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, छोटे छोटे इनोवेटिव मेथड से ही इसको करना पड़ेगा।
बिल्कुल, जिस तरीके से सर ने बताया कि कैसे अगर अपने जो प्लास्टिक आपके घर में यूज़ हो रहा है, रैपर्स हैं, उनको सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि गीला और सूखा कूड़ा अलग रखा जाए ताकि इस तरीके से उसका उपयोग किया जा सके। ताकि ये जो रैपर्स होते हैं, और उसके बाद जैसे ही आपका 10 बॉटल हो जाती है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो घर का कूड़ा है वह जो रैपर के रूप में आपने स्टोर करके रखा था वो जो है बॉटल के अंदर, उसे जो है इनको दे सकते हैं, जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर में काम आ सकते हैं, जो आपके शहर की सुंदरता को और बढ़ाने का काम कर सकता है। देहरादून से मैं ही नाज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।